देश रक्षाबंधन के आज़ादी के महापर्व में डूबा हुआ है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज़ादी के इस पर्व की धूम है। स्कूल, बाजार, घर सब तिरंगे से रंगे हुए हैं। इसी कड़ी में यूपी के बदायूं के विद्यालय में हमारे सहयोगी विजय शर्मा और पुष्पक सक्सेना अध्यापकों से रूबरू हुए। यहाँ तीन तलाक, धारा 370, स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन पर बात की। देखें यह वार्ता। नमस्कार, आज हम आए हैं जनपद बदायूं के गद्दी चौक स्थित प्राइमरी स्कूल में। यहाँ पे ध्वजारोहण हुआ है और पौधारोपण भी हुआ है। यहाँ ये स्टाफ है और ये बच्चे हैं, थोड़ा देखिए और इनसे कुछ बात करते हैं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। ये हमारी हेड टीचर यहाँ की, नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? रुचि। मैं, आप 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमारे समाज को, हमारी जनता को क्या देना चाहते हैं संदेश? स्वतंत्रता दिवस शहीद हो रहा है, इस पर बहुत ही खुशी। हमारे विद्यालय में लीडिंग मिलेगा, जो प्रगति की है इतने वर्षो में, उससे बहुत खुश। मैम, अपने यहाँ पे जो बच्चों की संख्या है वो बढ़ती क्यों नहीं? नहीं, हमने काफी प्रयास किए, जब हमें आए थे काफी। अच्छा मैम, 370 हटने के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहती हैं? ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है या इससे कहीं पे कोई कमी दिखाई दे रही है जो कि कश्मीर हमारा पीछे जा सकता है? नहीं, इससे कश्मीर पीछे नहीं जाएगा, ये हमारे देश के लिए अत्यंत ही गौरव की बात है। जी, इससे बहुत ही बड़ा जो एक समस्या थी देश के लिए, कश्मीर के लिए, जिससे स्थिति तक प्रगति नहीं हो रही थी, जिससे तक होनी चाहिए। अब कश्मीर मुझसे ही प्रगति करेगा, आतंकवाद खत्म होगा हमारे देश में। मैम, अपने देश की जो अभी सरकार है, वर्तमान सरकार, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सरकार से बहुत ही खुश हूं। थैंक यू। ये थी हमारे साथ यहाँ की हेड टीचर और बात करते हैं दूसरी टीचर से। नमस्ते मैम। नमस्ते, क्या नाम है आपका? जी, सुनीता चौहान। मैम, 15 अगस्त के लिए आप क्या कहना चाहेंगे संदेश? 15 अगस्त के लिए तो यही है कि हमारा देश आजाद हुआ था और ये हमारा 72वां स्वतंत्रता दिवस है और इसके लिए तो हम, हाँ, और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा मैम, ये कश्मीर के मुद्दे के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे सारी सरकारें एक तरफ हो गई हैं और मोदी जी अकेले पड़ गए हैं, उसके लिए? इसके लिए कुछ नहीं। नमस्कार, थैंक यू। आपका शुभ नाम? नूरबानो। नूरबानो जी, यहाँ पे यहाँ पे अध्यापक हैं और इनसे कुछ सवाल करते हैं। जी मैम, यहाँ पे 15 अगस्त के लिए आप इस बार कुछ नया देखने को मिल रहा है, आपके हिसाब से क्या है? इस बार हमें बहुत स्वतंत्रता दिवस जो है हम बहुत उत्साह से मना रहे हैं क्योंकि धारा 370 हट गई है और तीन तलाक भी खत्म हुआ है, तो इस बार हम बहुत खुश हैं, बहुत खुशी के साथ मतलब मना रहे हैं। और इस तरीके से मोदी जी जो है बिना रुके हुए आगे महिलाओं के लिए काम करते रहेंगे और अपने तरीके से काम करेंगे, वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे और आगे करते रहेंगे। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा किया है, अब तक जो हम, हमारी जो मुस्लिम महिलाएं थी बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में जी रही थी, अब जो है इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है हम बहुत खुले और बहुत खुली सांस के साथ मना रहे हैं और हमें जो है समान अधिकार मिला है और इस तरीके से आगे भी वो अच्छा करेंगे हम। अच्छा मैम, ये सरकार जो है वर्तमान सरकार, आपको क्या लगता है हमारे देश को कहीं आगे ले जा रही है, कहीं पीछे की तरफ? बहुत आगे ले जा रही है, बहुत आगे, बहुत हिंदुस्तान एक अलग शक्तिशाली देश के रूप में बनेगा आगे और हमारा देश तरक्की करेगा और बहुत, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा मैम, ये जो सारी सरकार एक तरफ हो गई है, मोदी जी अकेले पड़ गए हैं, उसके बारे में कुछ कहना? मोदी जी काफी है, अकेले ही काफी है, वो सबसे काफी है, अकेले काफी। तो ये थी हमारे साथ नूरबानो मैडम जी, कैमरामैन पुष्पक सक्सेना के साथ मैं विजय शर्मा, बदायूं न्यूज़, और देखते रहिए हमारा चैनल द दस्तक 24। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।